वाला है। आज जिसके पास घर नहीं था, 3 मंजिल का बिल्डिंग है। आज जिसके पास साइकिल नहीं है, उनके पास 10-10 गाड़ी है। आज आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में बंगाली मीडियम में पढ़ता है, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है और आपको बोलता है आप जहां में शिक्षा करते हो वहीं में पढ़ो। क्यों आज मेरा बच्चा क्यों नहीं बने, आर्मी में जनरल क्यों नहीं बने? लेकिन नहीं, ये सिस्टम ने आपको दबा के रखा है और उसी सिस्टम ने मुझे भी दबा के रखा, हमारे टिपरा साहब को दबा के रखा। लेकिन हवा बदल रहा है, समय बदल रहा है। पहला बार नहीं है, मैं पहले भी आया हूं यहां में। और ऐसा है कि ये आमसू इज अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, से मैं पहले भी वाकिफ हूँ। और वेदर इट इज़ आसू, वेदर इज़ आमसू, वेदर इट इज़ द बोरो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, डीमासा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, कारबी, मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प किया है। मैं भी खुद TSA के साथ जुड़ा था, आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ NISO। सो जब भी मुझे लगता है कि मैं कहीं में आकर सॉलिडारिटी दिखाऊँ, I'll be more than happy to extend my solidarity towards any student organization, more so AMSU. देखिए, मैं भी CAA में, मैंने भी आंदोलन स्टार्ट किया था। आज भी असम त्रिपुरा को CAA में अलग से रखा गया है सुप्रीम कोर्ट ने, बिकॉज असम अकॉर्ड 86 में जो साइन हुआ था उसमें ओवरलैप होता है, और त्रिपुरा में हमारा मर्जर एग्रीमेंट और एक्सेशन एग्रीमेंट में कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो जो भी जेन्यून इंडियंस हैं उनको सिटीजनशिप मिलना चाहिए, धर्म के नाम में नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ ईयर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये देश धर्म के नाम में बना नहीं था, धर्म के नाम में पाकिस्तान बना था, धर्म के नाम में हिंदुस्तान नहीं बना था। हिंदुस्तान में मैं हिंदू हूँ, हमारे पास बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, जैन्स हैं, हम सबको इस देश में एक संग रहना है और कोई भी सिटीजनशिप रिलीजन के नाम में नहीं होना चाहिए। ये मेरा क्लियर पोजीशन है। डेवलपमेंट सर, सिटीजनशिप और डेवलपमेंट में कोई लिंक नहीं होता है। आज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई डेवलप हो रहा है, उसमें जो डेवलप कर रहा है वो हिंदुस्तान के लोग हैं, केरला के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, तो वो सिटीजनशिप नहीं है। डेवलपमेंट अलग है, सिटीजनशिप अलग है। अगर डेवलपमेंट में ही आपको जाना है तो UP और बिहार में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो वहाँ में हम सिटीजनशिप के बारे में बात क्यों नहीं करते? सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में हम क्यों बात करते हैं सिटीजनशिप के बाद और डेवलपमेंट संग लिंक करते हैं? आज 42 संख्यक खदव संख्यालघु छात्र केन्द्रीय प्रतिष्ठा दिवस 30 और 31 तारीख दुदिन कार्यसूची आम पालन करूँ। आज 31 तारीख मुक्ति हम आज इतिम्य आमार त्रिपुरार मुख्य अतिथि পদ্মত বিক্রম মানিক্যদেব বর্মা আহিছিলে, আর বিভিন্ন অতিথি আমার মজত আহিছিলে, আমসর প্রাক্তন সভাপতি সকলো আমার মজত আহিছিলে। আমি ইয়াতে একটা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছো যে সংখ্যালঘু সকলের শিক্ষার সমস্যা আছে, সামাজিক সমস্যা আছে, রাজনৈতিক সমস্যা আছে, সকল ধরনের সমস্যা আছে। সমস্যাখিনি যেহেতু সরকারে কোনো সরকারে সমাধান নকরে, গতি এই সমস্যাখিনি সমাধান করার ক্ষেত্রে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার লবর কারণে আমি আন্তরিকতার আমি যুঁজিবর কারণে, গণতান্ত্রিকভাবে আমি যুঁজিবর কারণে, আমি নিজের অধিকার পাবর কারণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো। আর আহিবলগিয়া দিনবিল সংখ্যালঘু সমাজে যিকটা সমস্যা আছে, এই সমস্যাখিনি নতুন রূপত নতুনভাবে আমি কেনেকে সমাধান করব পারো, আর সরকারের লগত বা যিসকলে আমাক এই সমস্যাখিনি সমাধান করে নিয়েছে তেওঁলোকৰ লগত কেনেকে গণতান্ত্রিকভাবে যুঁজ দি আমার সমস্যাখিনি সমাধান করব পারো, এই অঙ্গীকারবদ্ধ আমি হয়েছো। আর আমি আশাবাদী আহিবলগিয়া দিনবিল সদৌ সংখ্যালঘু ছাত্র নতুন কার্যপন্থারে, নতুন দিগন্তরে, নতুন হুরুজর কারণে যুঁজিবর কারণে সাজু হয়েছে। আর সরকারক আমি আহ্বান জানাইছো যে সরকারেও আমার স্পষ্ট কথা, সরকারে যে সমস্যার সমাধান করা নাই, আহিবলগিয়া দিনবিল সরকারেও ইয়ার কারণে কিন্তু সাজু থাকিবর কারণে আজির এই প্রতিষ্ঠা দিবসর মুক্তি হওয়াতো সরকারক আমি হকিয়াই দিছো। সব দিভতার নামত হারাশাস্তিটা আমার BTR নয়, সেটা হল গভর্নমেন্টের কাম, মানে আমার লিগেল সিস্টেমত যে চলি আছে এই চলি আছে। কিন্তু আমার BTR সরকারটা আজির দিনত প্রস্তাব গ্রহণ করেছে দীভতারৰ নামত যিমানখিনি আমাৰ হাৰাশাস্তি পাই আছে তেওঁলোকৰ মানে লিগেলি বিচাৰ পাবৰ কাৰণে বা ৰিজাল্ট মানে ভাল হ'বৰ কাৰণে, এখেতে নহয় বিদেশী হওক নহ'লে আমাৰ ভাৰতীয় হ'ব লাগিব, সেইটো খুব কম সময়ৰ ভিতৰত ৰিজাল্টটো আনিবৰ কাৰণে
পাঁচজনকে আমার কি কয় এডভোকেটস আমি সিলেক্ট করে পেলায় কাম করিবর কারণে স্টার্ট করব বিচারিছো খুব কম সময়ের ভিতর।